अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, मेरे दोस्तों, आज आपको हम ज़रगुन गर की तरफ ले जाएंगे। गर पश्तों में कहते हैं पहाड़ को, और बहुत ही खूबसूरत वादी है करखस्सा, आपने सुना होगा, देखा भी होगा। और ये जो है ज़रगुन गर है, और इसे कोहे मुर्दार भी कहते हैं। एम आई राइट? अब्दुल रज़ाक हमारे साथ हैं, यहीं के मकामी, और इस इलाके से, इन पहाड़ों के हवाले से काफ़ी मालूमात भी रखते हैं कि ये रास्ते कहाँ किन किन इलाकों पे निकलते हैं। आगे जाके हमारे कुछ साथी आगे जा रहे हैं। या अब्दुल रज़ाक, बताइए इस इलाके के बारे में। मैं चाहूँगा थोड़ा यहाँ पे स्टे कर लेते हैं, खड़े होके आप ज़रा मुझसे थोड़ा हाल अहवाल दे दें मुझे इस इलाके के बारे में, ताकि सुनने और देखने वालों को पता चले। पिकनिक पॉइंट रहा है ना, यहाँ पे लोग एंजॉयमेंट के लिए आते हैं, और यहाँ पे जो सारा एडवेंचर जो एरिया है ना, ठीक है, थोड़े मुश्किल भी है, यहाँ पे सफर करना आसान भी है लेकिन मजेदार ज्यादा है। सही, एज आई टोल्ड यू, कोहे मुर्दार और ज़रगुन की पहाड़ में। सो इस बीच हम रवा दवा है, और ये केव्स आगे तक जा रही हैं अली भाई जबान कितनी, और कुछ हमारे दोस्त पीछे भी रह गए, उन्होंने भी आना है, तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी, और आगे के खूबसूरत इलाके आपको हम दिखाएंगे। माजर चाहता हूँ, मेरा ये फ्रंट का कैमरा इतना खूबसूरत नहीं, ना मेरी शक्ल इतनी खूबसूरत है, लेकिन आपको थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा मकसद बलूचिस्तान और स्पेशली क्वेटा की वो हिडन ब्यूटी आपको दिखाना है जो एक ज़माने में कभी आबाद हुआ करती थी, और अब दोबारा भी आबाद हो सकती हैं अगर हम, आप चाहें, हमारे हुक्मरान चाहें, और इक्तदार आला और सरबराहान आला चाहें, तो ये जगह अब भी आबाद हो सकती हैं। यहाँ पे तफरी के लिए लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जा सकती हैं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही है, ताकि ये जगह, यहाँ पे तफरीही मकामात और टूरिज़म को बलूचिस्तान में आम किया जा सके। आगे आपको दिखाते हैं कि अल्लाह ने बलूचिस्तान को, और स्पेशली क्वेटा को, इस चार पहाड़ों के दरमियान में, जिसे वादी कहते हैं, वादी क्वेटा, इन्हें किन किन खूबसूरतियों से, किन किन नेमतों से नवाजा है। स्टे कनेक्ट विद अस। जैसे मैंने कहा, ऐसे इलाकों में आके आप जब कुदरत के नज़ारे देखते हैं, तो आप बाकी बिलाशुबा आपके ज़बान से सुभान अल्लाह निकलता है, और उसकी अहम वजह यह भी है कि अल्लाह पाक की तख्लीक, अल्लाह पाक की मखलूक़ात, और ऐसी ऐसी चीज़ें जो आपकी अकल दंग कर देती है। जैसे कि मेरे सामने यहाँ पे ये वेलवेट का कपड़ा तो आपने देखा होगा, लेकिन वेलवेट का पौधा आपने कभी नहीं देखा होगा, और ये बिल्कुल, ये पौधा आप देख सकते हैं, बिल्कुल जैसे वेलवेट का कपड़ा होता है, बिल्कुल उसी मानंद ये पौधा उसी तरह है। और ये अगर आपकी स्किन के साथ या कपड़ों के साथ एक बार चिपक गया, तो एल्पी की तरह चिपक जाता है, और हटते हुए काफ़ी दुश्वारी होती है आपको। यानी हाँ, उसी तरह और भी बहुत सारे यहाँ पे जंगली जड़ी बूटियाँ हैं, और एक्सप्लोर कर रहे हैं। और ज़ीशान, कैसा था रास्ता? बहुत मुश्किल रास्ता था, लेकिन मज़े का रास्ता था, मज़े का रास्ता। पहाड़ चढ़ना कैसा होता है वो आज पता चल रहा है, इससे पहले तो लग रहा था शायद मजाक करते हैं। चलो भाई, हमजा भाई, कैसी है फिर, बत्ती गुल तो नहीं है? अच्छा, मज़ा तो बहुत आ रहा है। चले, हम भी ज़रा ट्रैकिंग कर रहे हैं, और ये मतलब कोई ऐसा ट्रैक नहीं बना कि, लेकिन कुदरती रास्तों से होते हुए। अच्छा, ये जब आप ट्रैकिंग के लिए, हाइकिंग के लिए निकलते हैं, एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा, अगर आप जोगर पहन के आ रहे हैं, तो ये दो किस्म के जोगर होते हैं, एक जो ग्राउंड में होते हैं, यूज़ किए जाते हैं, एक माउंटेन्स के अपने जोगर्स होते हैं, जो आपको ग्रिप करते हैं, बिस्मिल्लाह। और हमारे पास इस टाइम सहारे के लिए हमजा भाई का पट्टू। हाँ, चलें। ताशा अखबल शौक पूरा किए, खड़े हुए थे, जबरदस्त। हाँ, जगह फाइनली इन केव से हम निकल गए। ये छोटे बच्चे आपको नजर आ रहे होंगे, मतलब इनकी उम्र मेरे ख्याल से ज्यादा कोई
सात साल छः साल इस उम्र के बच्चे हैं और जिस तरह यहाँ पे ट्रैकिंग के लिए आते हैं और इन बच्चों को देखें डफ ले के अपना इंजॉय करें, इट्स अमेजिंग रियली। हाँ, तुम पिक्चराइज करने बड़े ख़तरनाक रास्तों से अभी निकले हैं और अब जरा जाके थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं ताकि फिर नीचे उतरना है वापसी करनी से पहले कि अंधेरा हो जाए। ज़रा कुछ और अच्छे मकाम आते हैं वो भी आपको दिखाएंगे। और ये केव्स, चलें भाई। हाँ, हो गया ट्रैकिंग का शौक पूरा, हाइकिंग का जबरदस्त किस्म का हुआ है क्योंकि पसीने से इस वक्त हालत बहुत बुरी हुई हुई है और अभी तक काफ़ी रास्ता रहता है, डिस्टेंस है, जमात का टाइम भी होने वाला है और हमने पहुंचना है कहाँ, यहाँ। ओके, कुछ बंदे बैठे हुए हैं यहाँ पे, हमने पहुंच के चलें तब तक के लिए। Aerial view of Quetta City, especially on moon night. And look at the moon. वापसी का टाइम है और हमारी ट्रैकिंग कंप्लीट हो गई है और जो जगह हमने डिस्कवर करनी थी वो कर चुके हैं, तो वी आर गोइंग बैक। और ख़तरनाक रास्ते, अंधेरे में ज़्यादा मसला होता है और बहुत ही अच्छा होगा अगर आपके पास टॉर्च आप यूज़ करेंगे ऐसे जगहों के लिए तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। खूबसूरत पहाड़, से काफ़ी चीज़ें इस बारे में, इस जगह के बारे में हमने जी क्या चीज़। हाँ, ये माशाल्लाह ये चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत सिनेरियो है और बारिश के वक्त तो यहाँ पे और भी ज़्यादा ग्रीनरी होती हो जाती होगी। पानी जो है वो जिंदगी है, बेशक। मेरे को होस्ट हमजा, माशाल्लाह
5000 रुपए मेरी, यही पानी खरीद।